और आज से हम आपके लिए एक बेहद खास पेशकश शुरू करने जा रहे हैं। खास सीरीज का नाम है कमोडिटी की क्लास। जी हाँ, जी बिजनेस और NCDX IPF की इस खास सीरीज में हम आपको बताएंगे आसान भाषा में कि देश का एग्रीकल्चर कमोडिटी का मार्केट कितना बड़ा मार्केट है और कारोबार के लिहाज से इस मार्केट में कितनी संभावनाएं हैं, और यह भी कि इस मार्केट की ग्रोथ में देश के सबसे बड़े कमोडिटी एग्री कमोडिटी का एक्सचेंज NCDX का क्या रोल हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और आज की ओपनिंग सीरीज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारतीय खेती की संभावनाओं से भरी वो चमकती तस्वीर जो हम सबके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है। देखिए ये खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। देश में पारंपरिक खेती को लेकर रुझान ज्यादा होने से अब तक गेहूं और चावल के उत्पादन के मामले में सरप्लस की स्थिति में है, लेकिन अब समय बदल रहा है। सरकार और साथ ही किसानों का फोकस अलग अलग फसलों पर बढ़ता जा रहा है। नए कृषि उत्पादों के लिए बाजार खुल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रमोशन का काम भी किया जा रहा है। NCDX पर नए लॉन्च हुए एग्री प्रोडक्ट्स को बाजार का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। सरकार अब अलग अलग फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। दलहन और तिलहन के साथ अलग अलग फसलों पर फोकस बढ़ गया है। यही नहीं, यील्ड बढ़ाने के लिए रिसर्च पर जोर बढ़ गया है। किसानों को ज्यादा जागरूक और सक्षम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। किसानों की मदद के लिए बैंकिंग व्यवस्था को गांव गांव तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। किसानों को वित्तीय तौर पर सक्षम बनाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शुरू कर दी गई है। यही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसी योजनाओं को ग्राउंड तक पहुंचाने की कोशिश जोरों पर है। साथ ही वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए FEOs यानी किसान उत्पादक संगठन को बढ़ाने पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। देश में कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए FEO यानी किसान उत्पादक संगठन की बड़ी भूमिका है, और इसमें एग्री कमोडिटी का सबसे बड़ा एक्सचेंज NCDX ने शानदार पहल की है। वायदा बाजार का फायदा किसानों को पहुंचाने के लिए NCDX पर लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। FPO से राय लेकर ऑप्शंस जैसे खास डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स लाए जा रहे हैं जो हार्वेस्ट के समय भाव में आने वाली कमी से किसानों को सुरक्षा देते हैं। एग्री वायदा में किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। किसानों की उन्नति के लिए एग्री एक्सचेंज हर संभव कोशिश कर रहे हैं। FPOs छोटे बड़े किसानों का एक ग्रुप होता है जो खेती के हर मुद्दे पर किसानों की मदद कर सकते हैं। FPOs के जरिए किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बेहतर बाजार भाव मिलता है, बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होता है। किसानों को खेती के लिए जरूरी तमाम सेवाएं सस्ती मिलती हैं और बिचौलियों से मुक्ति मिलती है। किसान अगर अकेले पैदावार बेचने जाता है तो मुनाफा बिचौलिए लेकर चले जाते हैं, लेकिन FPOs की मदद से किसान अपने उत्पादों के वाजिब भाव लेने के साथ हर सेवाओं के लिए मिलकर मोल भाव भी कर पाएंगे। यानी FPOs का विस्तार देश भर के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। खेती को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद और युवाओं के लिए आकर्षक बनाया जाए, इस दिशा में भी काम तेजी से चल रहा है। किसानों को कैसे अपने उत्पादों का बेहतर भाव मिले, प्राइस डिस्कवरी कैसे की जाए, इसमें कमोडिटी वायदा बाजार का रोल सबसे अहम हो जाता है। हाजिर और वायदा बाजार में बेहतर तालमेल के लिए NCDX की पहल सराहनीय है। कृषि उत्पादों की बेहतर प्राइस डिस्कवरी के लिए NCDX देश की तमाम बड़ी मंडियों और FPOs के साथ मिलकर काम कर रहा है। ग्राउंड लेवल के हालात, डिमांड और सप्लाई की स्थिति को देखते हुए प्राइस डिस्कवरी हो रही है और इसका फायदा किसानों तक पहुंच रहा है। हालांकि इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि एग्री कमोडिटी वायदा का दायरा बढ़ाया जाए। एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़े, ताकि एग्री कमोडिटी वायदा का दायरा बढ़ने के साथ इसका फायदा किसानों तक पहुंचे। जिस तेजी से काम हो रहा है, उम्मीद है आने वाले समय में निश्चित तौर पर देश के कृषि क्षेत्र के लिए बेहद अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि किस तरह से भारतीय कृषि व्यवस्था की तस्वीर बदल रही है, और इस पर अब डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट प्रेरणा देसाई जुड़ी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बहुत सारी एग्री कमोडिटी में हम
शॉर्टेज से सरप्लस में आ गए हैं गेहूं में, चावल में। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दलहन और तिलहन के मोर्चे पर अभी भी चिंता है, हालांकि यहां पर भी उत्पादन बढ़े हैं लेकिन अभी भी जो हमारी खपत है उसके मुकाबले उत्पादन कम है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने को लेकर के क्या कुछ प्रयास करने की जरूरत है, कैसे ये हो सकता है, और चूंकि उत्पादन बढ़ना ही काफी नहीं होगा, बाजार भी चाहिए, तो उस बाजार को और मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर का जो बड़ा एक्सचेंज है NCDX, उसकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, ये सच है कि 2016-17 में जब वेदर बहुत ही अच्छा था, तब से लेकर अभी तक हम लगातार जो है ज्यादातर कमोडिटी में सरप्लस चल रहे हैं। और दलहन के मामले में ये और भी ज्यादा सुखद रहा है कि ज्यादातर जो हम इंपोर्ट करते थे उसके चलते अब जो है हम अपनी खपत की जरूरत का जो दलहन जो है वो उत्पादन कर लेते हैं। हालांकि उड़द में अभी भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, पर चना है, तुअर है, जो मेन पल्सेस हैं अपने, मसूर हैं, ये सारे दलहन ऐसे हैं जिसमें अपना आया जो है वो अब लगभग ख़त्म के करीब हुआ है। तिलहन में इस तरह का नहीं हुआ है अभी तक, हालांकि जो पिछला साल जो गया जिसमें से काफ़ी उम्मीद जगी है, खास करके इम्पोर्ट ड्यूटी हाई होने की वजह से यहाँ पर ऑयल सीड के दाम जो हैं, सोयाबीन कहें या मस्टर्ड कहें, सरसों कहें, ग्राउंडनट कहें, इन सब के भाव जो हैं इस साल बहुत अच्छे रहे हैं, और जिसके चलते इसकी उम्मीद बनती है कि किसान जो है वो तिलहन की तरफ भी आकर्षित होगा उसको उगाने के लिए। सरकार की तरफ से जो प्रोक्योरमेंट वगैरह की पॉलिसी रही है उसने भी एक तरह का भरोसा दिलाया है, मगर जब तक अश्योर्ड एक परचेज की पॉलिसी नहीं बनती है तब तक किसान जो है वो अनसर्टिनिटी में बना रहता है कि उसका माल बिकेगा। ठीक बात है जी, तो इसीलिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही मैम। मैं आपसे एक सवाल छोटा और पूछना चाहता हूं प्रेरणा जी, कि जो आपने कही कि किसानों को वाजिब भाव दिलाने को लेकर के काम तेज होना चाहिए, तो उसमें FPOs की भूमिका कितनी बड़ी आप देख रही हैं, और क्या आपको लगता है कि FPOs को मजबूत करने से किसानों को बहुत हद तक वाजिब और अच्छा भाव मिल पाएगा? मेरे ख्याल से एक अच्छी दिशा में ये पहल है। अकेला जब किसान होता है, खास करके हमारे यहाँ किसान बहुत छोटी जमीन को ओन करते हैं, बहुत मार्जिनलाइज होते हैं, और अकेला आदमी कभी भी जो है वो कमजोर पड़ता है, मगर वही लोग अगर संगठन के माध्यम से एकत्रित होते हैं और अपनी व्यवस्था बनाते हैं तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, उनका रिस्क मिटिगेशन की अगर वो लोग पॉलिसी बनाना चाहे तो वो कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि FPO जैसी जो चीज है जिसमें एक तरह से किसान जुड़ जाते हैं, अपनी ताकत जोड़ लेते हैं, तो उनकी सारी ही कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। ओके, बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एग्रीकल्चर मार्केट की तस्वीर किस तरह से बदल सकती है, कैसे किसानों को अच्छा भाव मिल सकता है, और उसमें FPOs की क्या भूमिका हो सकती है, और इन सब चीज़ों में जो हमारा एग्री कमोडिटी का सबसे बड़ा एक्सचेंज है NCDX, उसका क्या रोल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।